नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिटू नर्सिंग पे। आज हम एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं जो कि बिहार GNM, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे और कई तरह के मैसेजेस भी, जो हमारे संपर्क में लोग हैं, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, वो लोग भी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बिहार GNM का एग्ज़ाम होना है। आप सबको पता है कि बिहार में जो GNM का एग्ज़ाम अभी तक बाकी है वो 20 से लेकर के 20-21 बाकी है, 21-22 बाकी है, उसके बाद 22-23 बाकी है। ये 3 ईयर का एग्ज़ाम जो है अभी BNRC के द्वारा कराया जाना है। आपको पता है इसके लिए इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन का जो काम होता है, रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम का, वो आपका हमको लगता है कि दिसंबर से ही चल रहा है। दिसंबर में रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा लिए गए थे, फिर जनवरी में हुआ, फिर फरवरी में हुआ, इवन मार्च में भी उनका लास्ट डेट था। उसके बाद मई में आकर के भी उन्होंने एक डेट दिया था, हमको याद है, शायद मई में भी उनका पोर्टल आया था कि जो बचे खुचे लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फॉर्म जो है डाल दें। इसका एग्ज़ाम जो है वो हमको लगता है कि संभावित जो था वो फरवरी में था या मार्च में था। वो PDF हमारे पास नहीं है अभी, हम बहुत ढूंढे, उसको नहीं मिला हमको, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि उनका जो संभावित एग्ज़ाम का तिथि था वो मार्च में था, लेकिन इलेक्शन के कारण, चुनाव के कारण जो है उसको पोस्टपोन किया गया, और पोस्टपोन करने के बाद कहा गया है कि जून के महीने में जो है हम एग्ज़ाम करवाएँ। और वाकई में आपको पता होगा कि रजिस्ट्रार से जब बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कुछ बातें, जो एक सरकारी पदाधिकारियों का जो एक नियम होता है, आप कह सकते हैं उसको, तो वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही वो सारा काम जो है किया जाता है। तो क्या कुछ अपडेट है BNRC एग्ज़ाम को लेकर के, जिसमें GNM का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होना है, वो हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। बाकी आप लोग अगर नर्सिंग से जुड़ी हुई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी नर्सिंग से जुड़ी हुई जानकारी समय पे और सही सही पहुंच सके। ठीक है, एग्ज़ाम के संबंध में जब आज से 2-3 दिन पहले हमने निर्जला मैम से बात किया था एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को लेकर के, हमने ऑडियो भी कुछ लोगों को भेजा था, आई थिंक, अगर वैसे लोग देख रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को कमेंट कीजिएगा। तो एग्ज़ाम को लेकर के हमने एज एक यूनियन के मेम्बर के तौर पर हमने उनको फ़ोन किया था, तो उनका कहना है कि एग्ज़ाम हम कराने के लिए चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रार की तरफ से एग्ज़ाम करवाने को लेकर के कम्प्लीट तैयारी है, सारे कॉलेजेस के फॉर्म आ गए, सारे जो इनकी तैयारी है एग्ज़ाम करवाने को लेकर के बिल्कुल रेडी है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो मैन पावर चाहिए, जो सेंटर्स बनाए जाते हैं या जो प्रशासन के तौर पे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो तैयारियां की जाती है, उसके लिए आपको DHS यानी कि जो आपका डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है, डायरेक्टर हेल्थ सेक्रेटरी आपके लिए, वो वहाँ से एक क्लियरेंस लेना पड़ता है एग्ज़ाम करवाने को लेकर के। एग्ज़ाम करवाने का जो भार है वो BNRC का है, लेकिन एग्ज़ाम में जो जो मेन पावर लगते हैं, चाहे वो प्रशासन के तौर पे हो या फिर किसी प्रकार का मेन पावर हो, तो वो DHS जो स्वास्थ्य विभाग है, नर्सिंग प्रमुख है, उसकी तरफ से किया जाता है। तो वो क्लियरेंस जो है अभी तक रजिस्ट्रार को नहीं मिला है। इसके पीछे क्या कारण है नहीं बता सकते, लेकिन उनको क्लियरेंस जो है डिपार्टमेंट से नहीं मिला है एग्ज़ाम करवाने को लेकर के। बाकायदा BNRC की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से समय सारणी भी भेजा गया है, जो टाइम टेबल होता है वो भी क्लियरेंस के लिए भेजा गया है कि हम इस डेट में एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, और वो डेट है आपका जुलाई। जुलाई का महीना जो है एग्ज़ाम के लिए प्रपोज्ड है, DHS को भेजा हुआ है। DHS से जैसे ही क्लियरेंस मिलता है आप लोगों का टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार भी चाह रही हैं कि आप लोगों का जो समय ख़राब हो रहा है, जहां आप मार्च में एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे थे और अभी जुलाई में भी संभावित है, कन्फर्म नहीं कि जुलाई में भी होगा कि नहीं होगा, तो रजिस्ट्रार मैम आप लोगों के लिए सोचती है, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, अपने स्तर से, क्योंकि उनके पास भी एक बड़ी पदाधिकारी होता है जिनसे उनको क्लियरेंस लेना पड़ता है, वो क्लियरेंस लेने के बाद ही टाइम टेबल जो है आप लोगों का दिया जाएगा। और ऑलमोस्ट जो है वो काम हो चुका है। आपको पता है कि पहले जो है ओल्ड सेक्रेटरीट यानी कि जो सचिवालय है आपका, विकास भवन है, पहले वहाँ पर BNRC का ऑफिस था, और अभी BNRC का ऑफिस जो है शिफ्ट हो गया है आपका हेल्थ सोसाइटी में। तो शिफ्टिंग में भी कुछ ऐसे चीज़ें थी जो शिफ्टिंग के कारण जो है नहीं, थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं हो पाया। अब शिफ्टिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। 1 तारीख हमने सबको बताया था कि शिफ्टिंग का ऑलमोस्ट काम जो है 1 जुलाई को ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही शिफ्टिंग का काम खत्म हो जाएगा, मैडम क्लियरेंस के लिए थोड़ा सा प्रयास करेगी, और क्लियरेंस मिलने के बाद जुलाई के महीने में हमको लगता है कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जून के लास्ट तक में जो है आपको टाइम टेबल आएगा, लेकिन जब मैडम को हम बात किए, मैडम से जब बात किए, तो वो हमको सुनाने लगी कि हम, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी दिक्कतें हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको बताई है, और प्रयास में है, उनके प्रयास में है ये बात कि जल्द से जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम जो है करवाया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज आ रही है उसमें जो है 20 के जो छात्र हैं, 21 के जो छात्र हैं, जिनको जैसा मौका मिले उनमें भाग ले सके।
अब यहाँ पे देखिए, ये दैनिक जागरण का एक डेटा है जो कि 7 जनवरी 2024 का है। कितने छात्र इसमें इन्वॉल्व होंगे अब यहाँ पे देखिए, एनम जीएनएम एग्जाम बिहार में इस महीने में हो सकती है। एनम और जीएनएम की परीक्षा बीएनआरसी के माध्यम से संचालित होंगे एग्जाम। आप समझिए, जनवरी में वो लोग एग्जाम कराने को लेकर के तैयारी में थे, और जनवरी में अगर जो एग्जाम हो जाता तो अच्छा ही था, इलेक्शन के कारण आपका डिले हुआ, और फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर आप क्लियरेंस में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, एनम और जीएनएम संस्थानों में फरवरी मार्च में परीक्षा हो सकती है, संभावित तिथि फरवरी मार्च में था। राज्य में करीब 400 एनम और जीएनएम संस्थान हैं, 400, हालांकि 19-20 में कम ही थे, 21-22 में ज़्यादा कॉलेज ओपन हुए हैं बिहार में, ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेज ओपन हुए हैं एनम और जीएनएम के, जिनमें पढ़ने वाले करीब 36,000 विद्यार्थियों का परीक्षा संचालित की जानी है। आप समझिए, 36,000 स्टूडेंट है एनम और जीएनएम में। एनम में कितने हैं, जीएनएम में कितने हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव प्रति अमृत की अध्यक्षता में बिहार रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल के माध्यम से परीक्षा संचालित कराने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब निर्णय में क्या कहा है यहाँ पे देखिए, बीएनआरसी को एनम के शैक्षणिक सत्र 22-24 और 22-25 दो सत्र, यानी दो दो साल का एनम का सेशन होता है। 73 सरकारी कॉलेज है, 180 प्राइवेट कॉलेज है, समझिए 73 जो है आपका सरकारी है और 180 प्राइवेट एनम स्कूल है, जिसमें करीब करीब 12,000 फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 11,000, यानी कि आपका 23,000 बच्चा तो सिर्फ एनम का है, समझ रहे हैं, 23,000 बच्चा सिर्फ एनम का है आउट ऑफ 36,000। अब बच्चे कितने हैं जीएनएम के, तो जीएनएम के 13,000 बच्चे, यहाँ पे देखिए जीएनएम के। इसी प्रकार से जीएनएम कोर्स कराने वाले राज्य में 26 सरकारी कॉलेज और 100 प्राइवेट संस्थान, यानी कि 126 कॉलेज प्राइवेट और सरकारी मिला करके है, जिसमें जीएनएम प्रथम वर्ष के 6,000, द्वितीय वर्ष के 5,500 और तृतीय वर्ष के 4,700, इसको अगर जब जुड़िएगा तो 15,000 के करीब बच्चा आपको इसमें दिखेगा। तो लगभग 36-37,000 बच्चे जो है बिहार में नर्सिंग के हैं डिप्लोमा कोर्स के, जिसका कि एग्ज़ाम करवाना है। अब इतने सारे बच्चे हैं, 36,000 बच्चों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, तो आप खुद सोचिए, पहले बहुत कम बच्चे थे, अब सडन इतने बच्चे हो गए, बिहार में इससे ज़्यादा बच्चे कभी नहीं हुए, और इनको पटना में ही एग्ज़ाम लेना है, तो थोड़ा सा कुछ दिक्कत होगा, हो सकता है टेक्निकली इनको मैनेज करने में या फिर किसी प्रकार का शायद दिक्कत हो रहा होगा। तो 36-37,000 बच्चों को एग्ज़ाम करवाना, सेंटर्स लगेंगे इसके लिए, शिफ्ट लगेंगे इसके लिए, तो जो चीज़ें हैं वो तैयारियां जो है बीएनआरसी अपने स्तर से कर रहा है, जैसा कि मैडम ने बताया, और क्लियरेंस के लिए प्रेषित किया जा चुका है, जैसे ही क्लियरेंस आती है आप लोगों को सूचित किया जाएगा, और आप लोग परेशान ना हो। एक बात श्योर हम आपको करना चाहते हैं कि जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं 20-23 वाले, आप लोगों का एग्ज़ाम होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आने तक, ठीक है, उसके बाद ही वैकेंसी आने वाली है। अभी अगर जो एनएचएम का आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें हमको लगता है कि आप लोग को मौका मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, ठीक है, मौका सबको मिलना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आप डर को हटा दीजिए, हम कह रहे हैं विश्वास कीजिए, आपका एग्ज़ाम जुलाई के महीने में बिल्कुल होने की संभावना है 100%। इतना सारा स्टूडेंट है, थोड़ा सा मैनेज करने में उनको भी शायद दिक्कत हो, एक होता है ना, सरकारी पदाधिकारी भी थोड़ा सा उदासीन होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, फाइल आया क्लियरेंस के लिए तो थोड़ा सा रुक रहेगा, 1 सप्ताह 10 दिन तो ऐसे ही रखा रह जाता टेबल पे जब तक कि अप्रोच ना किया जाए, तो ये सब दिक्कतें हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत खत्म हो जाए तो आप लोगों का टाइम टेबल जो है आ जाएगा, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपके लिए तो हम जरूर देंगे। हम अपने ग्रुप में भी अपडेट देते रहते हैं जैसे ही हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से जुड़ें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी अपडेट हमको प्राप्त होती है हम उसे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या अपने वीडियो के माध्यम से जो है हम आप तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों की तरफ से, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, नहीं तो कोई इतना करने के लिए नहीं बैठा है। आपको हम कई वीडियो में बताते हैं कि यूट्यूब बस एक माध्यम है मेरा आप लोगों तक पहुँचने का, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इतने हमारे सब्सक्राइबर नहीं है कि हमें कुछ प्राप्त हो सके, तो देखते हैं जब तक होता है आपके लिए कर रहे हैं, जिस दिन थक जाएंगे छोड़ देंगे। लेकिन मेरा एक एम है कि हम एक संगठन के रूप में बिहार में काम करें, लेकिन आप लोगों की तरफ से अगर जो हमें सपोर्ट मिलेगा, ताकि YouTube से जो भी आप लोग जानते हैं अगर रेवेन्यू आता है तो हम लोग इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। हम तो ऐसा कुछ जानकारी देते नहीं हैं कि किसी को अच्छा लगे ना लगे, ठीक है। जो जानकारी जेन्युइन होगा, जो सत्य होगा, उसी पे हम वीडियो करते हैं। आइदर देन अगर हम उसमें कन्फर्म नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं करते, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहें और टाइम टेबल आ जाएगा, टाइम टेबल का टेंशन ना लें, अपना पढ़ाई पे फोकस करें, और पढ़ाई के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा से लिखें, अच्छे से करें, उसके बाद तो आपको जस्ट 2-3 महीना में जो है आप लोग को रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा दे दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके, और चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।